जेतोणीक चौकनी जो कब्रिस्तान 500 सालन का वधीक अरसो समुंड जी घिम हवा ए मौसमी तूफानन जो मुकाबलो कंदो रहयो आहे, पर कदीम आसारन वारे खाते जी बेध्यानी सबब उहो पत्थर हाणे गरण ए भुरण शुरू थी वयो आहे। असां केतिरियूं कब्रूं ॾिठियूं आहिनि या मुकबरा जेके आहिनि उन्हनि जा पिलर जेके आहिनि ॻरी रहिया आहिनि, भुरी रहिया आहिनि। त हीअ जेका घिम आहे या आलूदगी वारी जेका हिते असां वटि सूरत हाल थी वई आहे कराची में ख़ासि तौर ते, त उन नुक़सान खां हिननि कब्रुनि खे कीअं बचाइजे? उन जे लाइ त जीअं ई पहिरीं वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जे कंट्रोल में हुया, वफ़ाक़ी गवर्नमेंट जो को बि इंट्रस्ट कोन सिंध जे कंहिं बि पंहिंजे आर्कियोलॉजिक साइट या जेके सकापती असांजा माग आहिनि उन्हनि जो को बि चानो। हाणे अरिड़हें तरमीम खां पुठियां इहे सिंध गवर्नमेंट जे हवाले कया था वञनि। इहे यकीन त हिन जे लाइ बेशुमार फंड जेके आहिनि उहे अलॉट कया वेंदा ऐं उन्हनि फंड जे ज़रिए हिननि खे असां महफ़ूज़ करे सघूं था, जेके टुटियूं आहिनि उनखे वरी ठाहे सघूं। इन्हनि जे लाइ फंड जी ज़रूरत आहे, फंड सां गॾोगॾु ईमानदारी जी बि ज़रूरत आहे। ईमानदारी सां असां इहे कमु करियूं, इन्हनि खे बचायूं, छाकाणि त इहे असांजी मालिकी आहे। इहे शयूं ख़तमु थी वेंदियूं त असां ते हिन सरज़मीन जी असां वटि को बि सबूत न हूंदो मालिकी जो। इहे असांजी मालिकी जूं सबूत आहिनि जेके असांखे बचाइणियूं आहिनि हिननि खे। इहे सभु सुभाणे ख़तमु थी वञनि त पोइ असां कीअं साबित कंदासीं त हिते असां जेका आहे उहो 1500 खां अॻु जेको आहे सूमरनि जो दौरु आहे, समरनि जो दौरु असां हिते आहे, त असां वटि कहिड़ी साबित हूंदी? इहे साबित आहिनि जेके असांखे बचाइणियूं आहिनि। जेको सैंड स्टोन आहे जंहिंसां हीअ क़बरूं ठहियल आहिनि, सैंड स्टोन में इहा ख़ूबी या ख़ामी आहे त हू चित्रसाली जे लाइ त तमामु सवलो ऐं सुठो आहे, पर नरम बि आहे जंहिं ते मौसमी हवाउनि जो घिम जो असर थिए थो। हाणे जेका कराची जी मौसम आहे उन खे ओवरऑल कंट्रोल कीअं कजे, इहो हिकिड़ो सुवालु आहे जंहिं ते अॻे बि असां काफ़ी वीचार कयोसीं। उन वीचार जे नतीजे में हिकु रिकमेंडेशन्स इहा बि आहे त असां हिन जे चौफेर अहिड़े क़िस्म जी कंहिं बि एक्टिविटी खे प्रोमोट न कयूं जंहिंमें हवा में पोल्यूशन वधे, छो त पथर जे लाइ उहा नुक़सान आहे। विच में हिते कोयलनि जा गोदाम अच ठाहिया हुआ जिन खे बि असां कोशिशि करे उथारियोसीं। हिन जे चइनी पासनि खां नयूं क़िस्म जूं इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ जो रुझान तमामु घणो थियो आहे, माण्हू उते इहा एक्टिविटी कनि था जेका हानिकार साबित थी सघे थी। टीं ॻाल्हि जेका आहे इन खे पोल्यूशन खे कुझु घटि करे सघे थी, उहो आहे वणनि जो पोख। इन सिलसिले में असां पाणीअ जी लाइन बि पंहिंजी मदद सां प्राइवेटली बि इते पहुचाई आहे ऐं तव्हां ॾिठो हूंदो त उते प्लांटेशन जो हिकिड़ो प्रोग्राम शुरू थी वियो आहे, वण पोखणु शुरू कया आहिनि। सो उमेदु आहे त असां इन तरह सां कुझु न कुझु उन शइ जो जेको मौसमी असरु आहे उनजो एडवर्स इफ़ेक्ट घटाइण जी कोशिश में कामयाबु थींदासीं। चौकुनी जे कब्रिस्तान में जुंगशाही जो उहो मशहूरु पीलो पथर इस्तेमालु थियलु आहे जेको पंहिंजी मज़बूती लाइ मशहूरु ऐं साखियारो आहे। उन सबब जे करे ई सिंध में ठहंदड़ जंड बि जुंगशाही पथर मां ठाहिया वेंदा हुआ। चौकुंडी जे कब्रिस्तान में घणियूं क़बरूं खुले आसमान हेठां ठहियल आहिनि। किन किन क़बरुनि जे चौधारी नंढड़ी भित त आयल आहे पर उन्हनि जूं छतियूं उघाड़ियूं आहिनि। माहिरनि जो ख़्यालु आहे त जीअं मकली जे कब्रिस्तान में जाम निज़ामदीन समय जी मज़ार मथां खां, काफ़िन जे शहनशाह मिस्री शाह नसरपुर वारे जी मज़ार पासनि खां ऐं पंजाब जे झंग शहर में हीर ऐं रांझे जी क़बर मथां खां खुलियल आहिनि, ऐं उहे सभु क़बरूं उन करे खुलियल आहिनि त जीअं ताज़ी हवा ऐं माक सदाई उन्हनि मज़ारुनि मथां किरंदी रहे। बिल्कुलु उन ई ख़्याल खां चौकुंडी कब्रिस्तान जी क़बरुनि जा मथा ऐं पासा खाली छॾियल आहिनि। कारीगरनि जे फन जो
इो कड़ो न कमाल है जिन पां हथन से पत्थर के जमाल बख्शे फन के जिंदह अमर बनाए छो है। मेहनत ए मोहब्बत से उन पत्थर के टुके उन मुख्तलिफ किस्म जहा टुक ठाया हैं। हर कब्र से ठायल डिजाइन अलग अलग है। जेकर एक कब्र या मुकबरे के एक का थंभा तो उन थंभन की डिजाइन ही एक बे का अलग ए मुनफरद है। औरतुन की कब्रुन से जेवरन जहा नमूना नक्श थियल जडें त मर्दन की कब्रुन से पगू ए बारन की बुठियन से हिंदुरन जहा पावा थियल। औरतुन की कब्रुन से नक्श थियल जेवरन में गीची जहा हार झुमका मुंडियों वालियों पेर कड़ियों किन किन अमीर जादिन की कब्रुन से सत लड़ियों दूरियों थियल। मर्दन की कब्रुन में अड़ियों केतर कब्रू हैं जिनते तलवारू तीर कमान घोड़ा नक्श थियल जिनमें उन कब्रुन में पूरेलन के कमन ए कारनामन जो पतो पवे तो। तलवारुन तीर कमान वाले कब्रुन लाए वे तो उ जंग जो मान जो कब्रू हैं जी वेढ़ में विढ़े मार वया हुआ। मर्दन की कुछ कब्रुन से घोड़ा ठायल जिन लाए वे तो उ कबीले के अगवाणन या सरदारन जो कब्रू हैं ऊंचे गाट बीठल कब्रू कब्रस्तान में जन बिन नंढन कब्रुन की अगवाणी कंदे महसूस थियन थी। चौकुंडी के कब्रस्तान में मौजूद कब्रुन से अजरकन रिलियन पिंडियन पाटड़न गुलन ए टुक समेत अनेक किस्म जहा नमूना ए नक्श मौजूद हैं जी सदियों गुजरण बावजूद पाँच सूह ए असलियत के बरकरार रखी बीठल हैं। यो जो चौकुंडी में जो फन कब्रुन से नजर अचे तो यो ओचितो फुटी जाहिर थी पो सिंध के अंदर या इन जो जी पाड़ू हैं जो तालुक आ वो मोहन के दड़े से भी मिले तो उन मोहन के दड़े के मानून वट भी वो आर्ट हो जो इतने वो जाहिर थो या तसलसल को वो आर्ट मोहन के दड़े का या पुराना जो भी आसार हैं ये आर्ट उत मिलो कें न कें सूरत में पर हि थोड़ा तरक्की याफ्ता है पर लाइ चव हलान तो हि फन इतने घन जे चौकुंडी या गाड़ी कबूर उन रूमियों भी चवन रूमियों माना जे उन चवन इन करो फन जो रिसर्च अ सामू आई है उन मुताबिक तो यो रूम का ईरान में आयो जरतशीन वट उतं का जो बलोच ट्राइब्स जे जै सिंध में लड पलान करे आया तो यो फन वो राजा पान से गड खी आया तेजन तो ईरानी जो बलोचिस्तान उनका वी ग्वादर जीवणी पसनी ओरमाड़ा कलमत सोनमियाणी लसबेलो पूरे कोस्ट में तक अड़ी कबूर इन टाइप इन मिल पूरे सिंध के पूरे कोस्ट में ये अवे या कोस्ट चो तो उसे ईरान को यो फन इतने खड़ी आया तो इन जो तालुक मोहन के दड़े से कें तो जुड़े पो किन मुहकिन जो ख्याल आ यो फन इतने ओचितो जाहिर न थो पर यो उन तसलसल आ मोहन के दड़े में भी अड़े किस्म जो आर्ट थी उ मोहन के दड़े आर्ट में आर्ट में फर्क आए पैं जैसे मोहन के दड़े जो भी तालुक सिर्फ मोहन के दड़े से या मौजूदा जो इंडस वैली से को मिस्र की तहजीब है या बी जी भी चाइना की तहजीब है उन सभी तहजीबन जो पान में राबतो रिश्तो ये पान में जुड़ियल है तहजीब पान में। चौकुंडी के कब्रस्तान में टिन किस्म जो कब्रू हैं एकड़ियों आम ए सादे किस्म जो हैं जिन लाइ वे तो उसे गरीब लोकन जो कब्रू हैं बी कब्रू हेठा खुलियल चेंबरन वाली कब्रू हैं जिनके वंग से दरवाजा भी ठायल हैं जडें त टे किस्म जो कब्रू आलीशान घड़ावतन वाली कब्रू हैं जिन लाइ वे तो उ कब्रू पैसे वाले मानून जो इन कब्रुन के ऐसण का यो अंदाजो थी वे तो जो जेतरो अमीर या डोकड़ वो मू हो उन कब्र भी ओतरे ही खर्च से ठहल है।
केतरी ही कब्रुन से औरतुन ए मर्दन जा नाला भी लिखल जी अज भी आसानी से पढ़ी सकन था। छठी नवा मुकबरे में जाम मुराद बिन हाजी की कब्र से संदस नाले से गड साहेब चौकुंडी लिखल है। इन मुकबरे में औरतुन जो टे कबरू भी ठयल जिन लाइ वे तो जाम मुरीद के खावे पासे का संदस बिन घरवार जो कबरू आन साजे पासे का संदस न्याणी दफन थियल है। खाबे पासे वाले कबरुन से बीबी फापा बिन जाम मेहर अली पहली बिन मलिक हारून लिखल है। जडे त साजे पासे वाली कब्र से पहली बिन जाम मुरीद लिखल है जेका जाम मुरीद की न्याणी की कब्र है। बिन कब्रुन से लिखल नाला जी पढ़ में अचन था उन्हें शबाना बिन शुम्बा बीबी फातिमा बीबी बेगम बिन जाम मेहर अली सुखा बिन कुमली खान कुमली बिन कलबो खान पन्नी बिन मलक कुमली खान इज़्ज़त बिन मलक सैदल खान बिजार बिन महर अली कमरदीन बिन बहावलदीन मीरन बिन जाम महर अली वरिया बिन शुम्बा इसाक बिन बिजार हमीद बिन बिजार इलावलदीन शुम्बा ए जमाल बिन मुंधा समेत केतरा ही नाला लिखल है।